गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी का स्पर्श बुक से कबीर की कविता पढ़ने वाले कबीर कबीर का जन्म तेरह में, में काशी में हुआ ऐसे माना जाता है जिनके गुरु थे रामानंद जी कबीर ने 120 उम्र की आयु पाई है जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मघर में बिताए और वही चिरन्दा में लीन हो गए चिर में लीन हो गए मतलब वहीं पे उन्होंने समाधि ले ली कबीर का अभिवार्य वह ऐसे समय में हुआ जब अभिवार्य मतलब उनकी पहचान उनका परिचय ऐसे समय में होता जब राजनीतिक पॉलिटिक्स धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम में थी चरम में क्रांति अपने चरम में थी इसका कहने का मतलब है कि इसमें बदलाव हो रहे थे राजनीतिक पॉलिटिक्स में धार्मिकता में सामाजिक में कुछ सुधारना हो रहे थे उस समय इनका जन्म हुआ था इनका परिचय हुआ था इसलिए उनकी जो कविता उनकी कविता में उस समय के सामाजिक धार्मिक और सामाजिक धार्मिक चीजों की या जो गतिविधियाँ हो गई थी उसके बारे में हमें देखने को मिलता है सो so, इनकी जो कविता है साखी तो साखी का मतलब क्या है साखी शब्द जो है साखी शब्द का मतलब है साक्षी साक्षी मतलब गवा विटनेस इसका रूप है इसका साक्ष्य से ये शब्द साक्षी यह शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान डायरेक्ट नॉलेज यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है मतलब जैसे कि गुरु है तो गुरु के जो अनुभव है उस अनुभव के थ्रू वो अपने शिष्य को बताते कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है क्यों क्योंकि उनके ऊपर जो बीती थी उसका अनुभव अपने शिष्यों को दे दे जैसे हमारे पूर्वज होते हमारी दादी माँ होते हमारे दादा होते नाना नानी होते तो हमें बताते ना ये करना है ये नहीं करना है इसके संगत में मत जाओ ये मत करो वो मत करो क्यों क्योंकि उन्होंने वो समय देखा है हमारे मम्मी डैडी हमें बताते कि हमारे फ्रेंड्स कौन होने चाहिए कैसे होने चाहिए तो ये सब क्यों बताते हैं क्योंकि उनका अनुभव होता है ऐसे ही गुरु होता है तो गुरु का जो अनुभव है गुरु का अनुभव अपने गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करता है संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है शास्त्रीय ज्ञान की नहीं शास्त्रीय ज्ञान मतलब जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं आज जो हमारे पास साइंस है ज्योग्राफी है ज्योमेट्री है ये जो है शास्त्रीय ज्ञान इस शास्त्रीय ज्ञान की बात नहीं करते हैं इसका अनुभव क्षेत्र शास्त्रीय ज्ञान के नहीं कबीर का अनुभव क्षेत्र वित्रता कबीर जगह जगह भ्रमण किया उन्होंने भ्रमण किया जगह जगह भ्रमण किया मतलब बहुत जगह पर घूमे हैं जैसे पंजाब है राजस्थान है उत्तर प्रदेश में घूमे हैं इसलिए उनकी जो कविता है इस कविताओं में अलग अलग जगह के शब्द दिखाई देते हैं जैसे कि अवधि राजस्थानी भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है और इसलिए उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में अलग अलग टाइप के गिरते ना जैसे हम लोग चावल डालते हैं दाल उसके बाद आलू डालते हैं टमाटर डालते हैं सब मिला के हम लोग खिचड़ी बनाते हैं वैसे ही इनकी भाषा में और इनकी रचनाओं में राजस्थानी भोजपुरी पंजाबी अवधि इन भाषाओं का प्रभाव ज्यादा ही कहते है। और इसलिए इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहते हैं साक्षी दोहा छंद है जिसका लक्षण है तेरह और ग्यारह मतलब इसके एक लाइन में तेरह और दूसरे लाइन में ग्यारह शब्द होते हैं ओके शुरुआत करते हैं साखी ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो कबीर कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का अपाक हो मतलब कबीर कहते हैं कि तुम्हारे वचन जब तुम बात करते हो तो तुम्हारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो मतलब जिससे तुम्हें भी समाधान मिले ओके और सामने वाले को भी क्या हो समाधान मिले तब, मतलब तुम्हें तुम्हें भी दुख ना हो और सामने वालों के भी तुम्हारी बातों का दुख नहीं होना चाहिए ऐसी हमारी वाणी मतलब हमारी वाचा हम लोग बोलते समय सोच समझ के लोगों के साथ बोलना चाहिए कस्तुरी कुंडली बसे मुर्गा ढूंढे बन माही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना ही तुम्हें कस्तुरी मतलब दीर, दीर पता है कस्तूरी मतलब डीर डियर पता है ना हिरन तो हिरन के नाभि में कस्तूरी नाम का एक सेंट मतलब सेंट देने वाली किसी द्रव्य होती है तो उसकी खुशबू वो उसकी खुशबू ढूंढने के लिए ये जो हिरन होती है हिरण जंगल में दौड़ती है कि ये कस्तूरी की जो खुशबू है खुशबू आई कहाँ से मृग मृग मतलब हिरन कस्तूरी कुंडली बसे है मुगर ढूंढे बन माही कस्तूरी जो होती है वो कस्तूरी कुंडली मतलब ना भी ना भी मतलब बेली तो इसी में ये कस्तूरी छुपी है मुगा के बेली में कस्तूरी छुपी होती है लेकिन उसको सब पता नहीं है वो पूरे जंगल में ढूंढती है कहाँ है कहाँ है खुशबू तो लेकिन उसको देखने रही है वैसे ही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना वैसे भगवान जो है भगवान हमारे अंदर बसे हैं और हम लोग उन लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में हम लोग उसको ढूंढते हैं जबकि हमें पता नहीं कि भगवान जो है भगवान हर एक इंसान के अंदर बसा हुआ है मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बगल में बच्चा और गांव में डिंड ऐसी कुछ हालत हमारे होती है जैसे हमारे बगल में ये कहावत भी कैसे बनी है कि एक औरत थी उसको भूलने की बहुत आदत थी तो उसके दो बच्चे थे एक बच्चे को उसने बगल में लिया है और एक को हाथ में पकड़ा है वो भूल गई कि बातों बातों में भूल जाती कि उसका बच्चा बगल में उसने अपने कमर पर बैठा के रखा है और वो गाँव में घूमती है तो लोग पूछते क्या हुआ तो बोलते मेरा एक बच्चा गुम हो गया तो उसने कहा कि ये क्या एक तो हाथ में है उसने कहा कि एक मेरे हाथ में है दूसरा मेरा बच्चा नहीं मिला तो किसी ने कहा कि फिर बगल में किसका है तो देखा तो उसका खुद का अपना दूसरा बच्चा है तो ऐसे ही कहते हैं मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे पास होती है लेकिन हम लोग उसको ढूंढने पद हमें पता नहीं होता तो वही कहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना ही मतलब हर एक घट में हर एक इसमें राम बसा हुआ है लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देता और उसे हम लोग यहाँ ढूंढते फिरते हैं जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना ही सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा मा जब मैं था तब हरी नहीं मैं का यहाँ पे मैं का मतलब है अहंकार मैं का मतलब है अहंकार जब तुम्हारे मन में अहंकार होता है तो तुम्हारे मन में भगवान कभी बस नहीं सकता क्योंकि जैसे कहते हैं ना एक ही मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती एक मैन में एक ही तलवार थी तो वैसे ही अगर तुम्हारे मन में अहंकार है घमंड है तो उस घमंड के साथ भगवान तुम्हारे पास नहीं रह सकता जिस इंसान के मन में घमंड होता है उसके साथ भगवान कभी नहीं होता ओके सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा तो जब तुमने और जब हरी होता है तो तुम्हारे मन में घमंड नहीं हो सकता और ये जब तुमने तब देखा जब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही जब खुद के अंदर देखा झाँक कर देखा तब ये बात का पता चल गया सुखिया सब संसार है खाये अरु सोवे दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे आगे कबीर कहते सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे कभी कहते हैं कि संसार में सब सुखी है सब खाते है, पीते हैं सोते हैं आराम करते हैं किसी को कोई किसी बात का दुख नहीं है सुखिया सब संसार है खावे और सोए मतलब खाते और सो जाते दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे दुखिया दास कबीर है कबीर जो है कबीर को दुख है क्योंकि परमेश्वर को पाना चाहता है लेकिन परमेश्वर उसको दर्शन नहीं दे रहे तो परमेश्वर से कहते हैं कि सब लोग सुखी है उनको खाने पीने को मिल रहा है बस सुखी है खाते और सोते लेकिन मैं जाग रहा हूँ और रो रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे कौन चाहिए मुझे भगवान चाहिए और यही भगवान मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान मुझे नहीं मिल रहे हैं बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र लागे कोई राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हुई विरह भुवंगम तन बसे मंत्र लगे को जब वीरह जब तुम्हारे अंदर वीरह मतलब जुदाई आती है जब हम लोग किसी से बिछड़ जाते हैं जुदाई होती है तब हम हमारे मन में चयन नहीं होता तन बसे विरह भुवंगम तन बसे मंत्र लागे कोई उस समय कोई भी मंत्र कोई भी जाप कोई भी औषधि उस समय काम नहीं आती है के राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हो उसी तरह से राम से दूर होकर मतलब भगवान से दूर कर हम लोग जी नहीं सकते और भगवान का नाम भगवान से अगर दूर होकर हम लोग जी रहे नहीं जी सकते इसलिए हम लोग को क्या कहते हैं हम लोग पागल दे जिए तो बौरा हुई बौरा हुई मतलब पागलों की तरह हमारी हालत होती है क्योंकि हमें कुछ भी उस समय समझ में नहीं आता क्योंकि कोई भी मंत्र हमारे ऊपर काम नहीं करता है इसलिए कहा है बिरह भुअंगम तनबस है मंत्र लागे कोई जब हमें कोई किसी से हम लोग जुदा होते बिरह होते तो कोई भी मंत्र हमें काम में नहीं आता वैसे ही राम के वियोग से भी वही हालत होती है अगर हम लोग हम लोग उनके बिना जीने से थे और जीते भी है तो पागलिंद कर हमारी हालत होती है निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई निंदक निंदक मतलब जो हमारी निंदा करते हमारी कमियां बताते निंदक नेडा रखिए नेडा रखिए मतलब पास में रखो निंदक जो होते जो हमारी करते हैं, इनको हमेशा अपना दोस्त बनाकर अपने पास में रखना चाहिए कबीर कहते हैं इससे भला ये है कि आंगन की कुटी बंधाई मतलब अपने घर के आंगन में उसको अपना घर बना के दे दो ताकि वो रोज़ तुम्हारे सामने ही रहेगा निंदक नेडा राखिए आंगन या कुटी बंधाए अब कवि ने ऐसे क्यों कहा होगा कबीर ने ऐसे कहा होगा कि निंदक जो है जो तुम्हारे निंदा करता है उसको अपना दोस्त बना के उसको उसका घर अपने घर के आंगन में बनाओ ऐसे कबीर ने क्यों कहा होगा क्योंकि आगे देखो उन्होंने कहा है बिना साबन पाने बिना निर्मल करे सुबाई क्योंकि ये जो होते हैं निंदक निंदक मतलब क्या जो हमारी कमियां निकालते हैं तो ये निंदक होते हमारी कमिया निकाल कर हमें एक तरह से सपोर्ट करते हमारी मदद ही करते हैं जैसे कि अगर तुम सच धज के बाहर निकलते तो कोई बता रहे देख बंदर जैसे दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं जाके हम लोग आईने के सामने वापस खड़े हो जाते हैं और वापस अपने चेहरे को थोड़ा सा मतलब बोलते ना जो मेकअप वगैरह हम लोग करते थोड़ा सा कम ज़्यादा हम लोग करते हैं या फिर कभी तुम कपड़े ऐसे कुछ ढंग के पहन के नहीं तो तुम्हें लगता है कि चलो ढंग के लेकिन वो निंदक जो है निंदक तुम्हें बताता है कि तुम कितने बुरे दिख रहे हो तो तुम जाके वापस क्या करते हो अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाते हो तो इसलिए निंदक होता है हमेशा हमारी जो कमियाँ होती है वो कमियों को निकाल बताता है हमें और इसी की वजह से हम लोग उन कमियों को सुधारते हैं इसलिए कहा है बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई तो बिना साबन और बिना पानी के जो निंदक होते निंदक हमारे मन को निर्मल करते हमें स्वच्छ करते हैं पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई एक अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होई पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ हम लोग ने बहुत सारे किताबें पढ़ी किताबें पढ़ पढ़ के तुम लोगों को बहुत नॉलेज मिला बहुत डिग्रियाँ तुम लोगों ने हासिल की तो इतनी सारी डिग्रियाँ हासिल करने के बाद भी तुम पंडित नहीं होते हो पंडित मतलब ज्ञानी नहीं होते हो क्योंकि तुम्हारा अनुभव बहुत कम होता है तुमने दो दोस्तों की कहानी सुनी होगी दो दो एक इंसान बहुत दिनों बाद बहुत सालों के बाद दो दोस्त मिलते हैं तो उसमें से एक दोस्त एक शहर में गया था तो बहुत पढ़ लिख के आता है अपने गांव में दोनों ऐसे नदी में सैर कर रहे नाव में बैठ के तो जो शहर का दोस्त है उसने पूछा कि भाई तुमने क्या क्या इतने अपने लाइफ में इतने साल तक तुमने क्या किया उसने कुछ नहीं बस पढ़ाई छोड़ दिया और फिर यही नाव चला लो लोगों को इस किनारे से उस किनारे तक लेके जाता हो तो जो पढ़ा लिखा दोस्त था उसने कहा कि यार तुम्हारी आधी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो गई क्योंकि तुमने कुछ नहीं पढ़ा पढ़े लिखे नहीं हो ओके okay? और देखो मैं पढ़ा लिखा हो मैंने ऐसा किया वैसा किया बहुत कुछ बताता है क्या होता ना कि ये जो नाव है नाव बीच भावर में नदी में जाती है तो बवंडर आता है हवा आती है तो हवा तो नाव डोलने लगती है अब नाव डूबने के चांसेस है तब जो अनपढ़ था गाँव का उसने पूछा कि तुम्हें तैरना आता है तो उसने कहा नहीं तो उसने कहा देखो मुझे तैरना आता है अब तुम्हें तुम इतनी किताबें पढ़ के आए हो लेकिन तुम्हें तैरना नहीं आता मैं किताबें पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मुझे तैरना आता है और वो नाव से कूद जाता है और तैरते तैरते नदी के किनारे आ जाता है और जो जो शहर से आया हुआ है उसको तैरना नहीं आता बेचारा वही पानी में डूब जाता है तो ऐसे मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ के बहुत सारे डिग्रियाँ हासिल किए मतलब तुम्हें बहुत नॉलेज मिला ऐसे नहीं होता है कुछ अनुभव भी जीवन में मिलने आवश्यक होते हैं तो इसलिए कवि कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया कोई पोथियाँ पोथी आप पढ़ पढ़ के बहुत सारी किताबें पढ़ ली बहुत सारी किताबें पढ़ के तुम पंडित नहीं बनते हो क्योंकि okay, एक ही अक्षर पीव का पढ़ी सु पंडित हुए जो अक्षर प्यार का प्यार का जो अक्षर भी पढ़ लेता है वो पंडित है प्यार मतलब क्या अपनापन किसी के लिए अपनापन किसी के लिए दया किसी के लिए क्षमा ये जो होता है ये प्यार होता है किसी के लिए कुछ करने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसी के कि लिए हमारे मन में जब आता है तो उसे हम लोग प्यार कहते हैं तो प्यार का अक्षर जो होता है वो अक्षर जिसने पढ़ा वही पंडित कहलाता है हम घर जाला अपना लिया मुराड़ा हाथी सब अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी संत कबीर ने कहा संत कबीर ने लोगों को उपदेश दिया है हम घर जाला अपना लिया मुराड़ा हाथी मुराड़ा मतलब क्या मशाल ओके फायर सो कभी कहते कि हमने अपना घर जलाया घर जलाया मतलब ऐसे नहीं कि घर था उसको आग लगाई और निकल पड़े घर जला मतलब क्या कि माया से दूर है उन्होंने संसार गृहस्थी नहीं चलाई मोहमय से दूर है और मोहमय से दूर होकर ही वो इस अनुभव में या फिर इस पद पर निकले इस संप्रदाय में इस पद पर निकले इसलिए उन्होंने कहा कि हम घर जाला अपना लिया मोराड़ा हाथी अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ ही तो कभी ने कहा कि मेरे साथ अगर तुम्हें आना है कभी ने किसी के ऊपर जोर जरबस्त नहीं की कि चलो मैं जो करने निकला तो तुम भी मेरे साथ चलो तो कभी ने कहा कि अगर तुम्हें मुझे मेरे साथ चलना है तुम्हें मेरे जैसे जैसे मैंने अपने घर बार को छोड़ दिया है अपने परिवारजनों को छोड़ जाए वैसे तुम्हें भी अपने परिवारजनों को छोड़ क्योंकि ये जो रास्ता है ये रास्ता जितना दिखता है ये जो पथ है जितना जितना दिखता है उतना आसान नहीं है इसके ऊपर बहुत कोशिश है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत संघर्ष करना पड़ता है तब जाके इस रास्ते के ऊपर हम लोग सफल होते हैं इसलिए कवि कबीर कहते हैं कि अगर इस रास्ते पर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम्हें अपना घर बार छोड़ना होगा और घर बार छोड़ने के बाद तुम मेरे साथ चल सकते हो इस तरह से कबीर ने इस साखी में इस कविता में अपने जीवन के अनुभव और लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे जिनाएं, है कैसे नहीं जिनाएं, है इसके बारे में हमें बताने की कोशिश की है